हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, जैक बोर्ड जो है हमारा, वो सितंबर के लास्ट वीक में आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम लेने वाला है। अभी तक डेट तो कंफर्म है नहीं कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम किस डेट से स्टार्ट होंगे और कौन से सब्जेक्ट का हाफ ईयरली एग्जाम कब होने वाला है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म हो चुका है कि 25-26 सितंबर के आसपास आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी का एक ही डाउट बना हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम को कि सर, हम तैयारी किस बेस पर करें, क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के सिलेबस को। मैथमेटिक्स का मैं आप सभी को सिलेबस बताने वाला हूँ कि किन चैप्टरों को आपको पढ़ना है और किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इससे पहले मैंने आप सभी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस का वीडियो बना दिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। साथ के साथ जो सिलेबस का जो PDF है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया है। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए हाफ ईयरली का सिलेबस मिल जाएगा। डिस्कस करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखिएगा ध्यान से। अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 12 सिलेबस 2024 को हम देखने वाले हैं, क्या हमारा सिलेबस रहेगा। सिलेबस समझना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि उसी के आधार पर आप क्या भाई तैयारी करने वाले हो, देखिएगा ध्यान से। पहला आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। पहला चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रहे, हाफ ईयरली जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और साथ के साथ क्या है भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर आपका सेकंड है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये चैप्टर बिल्कुल छोटा है, छोटा चैप्टर है लेकिन कंसेप्चुअल है। इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले बेस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए भाई बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, नाम है मैट्रिक्स आव्यूह। आव्यूह चैप्टर काफ़ी शानदार चैप्टर होता है बच्चों, इसको आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो चैप्टर नंबर 3 के अंदर। बात की जाए नेक्स्ट चैप्टर आपका 4, डिटरमिनेट्स यानी कि सारणिक जो चैप्टर है, यहाँ पर जो आपका सारणिक का मान निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिक्स है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। अगला है चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी यानी कि सांतत्यता तथा अवकलनीयता। यहाँ से आपका सांतत्यता वाला जो भाग है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वो आपको क्या है सिद्ध करवाएगा, सिद्ध कीजिए सांतत्यता है, यानी कि आपको वहाँ पर फलन का मान, LHS भाग, RHS भाग तीनों क्या लाने होंगे भाई, बराबर लाने होंगे। बराबर आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं ये क्या है भाई, सांतत्य है। बात की जाए चैप्टर नंबर 6, नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है भाई, क्योंकि जो मार्क्स काटे जाते हैं वो अवकलन और समाकलन में ही काट कटते हैं बच्चों के, इसीलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से भाई तैयार कर लीजिएगा। लीजिए साहब चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रेशन, इसको कौन भूल सकता है, समाकलन। सबसे खतरनाक बताते हैं बच्चे इसको, खतरनाक चैप्टर बताते हैं, डेंजर कहते हैं इसको सर जी, डेंजर चैप्टर। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, सबसे आसान चैप्टर है समाकलन। यदि आपने समाकलन की जड़ को समझ लिया ना तो बिल्कुल आसान चैप्टर है समाकलन। आप सभी बच्चे इस चैप्टर को ना बिल्कुल सीरियस लेकर चलिए, बिल्कुल सीरियस, 1% भी ऐसा मत सोचिए कि हार्ड है, क्योंकि आप सभी को पता होगा 12th की जो मैथ है उसके अंदर जो अवकलन और समाकलन है टोटल कितने नंबर के हैं, 40 नंबर के। आप सोच सकते हो काफी महत्वपूर्ण है ये अवकलन और समाकलन, इनको आप अच्छे से तैयार भाई कर लीजिएगा। तो ये था आपका मैथ का सिलेबस। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि
आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, और जितना हो सके इसको भाई शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय झारत।